हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके हिस्ट्री वर्सेस रियलिटी में। और मैं आया हूँ आज मेरे गांव दीपावली मनाने, और वहाँ का आपको देसी कल्चर दिखाता हूँ मैं आपको, जो आज भी यहाँ पे देसी कल्चर जिंदा है। लोग पूरे गांव के इकट्ठे होके दिए लेके पूरे गांव में घूमते हैं। मैं दिखाता हूँ पूरा वीडियो आपको। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। देखो ये पूरे दिए लेके घूमते हैं। और गांव में घूमते हैं, तेल, तेल और पूरे गांव में घूमेंगे ऐसे ही। अभी तक हमारे गांव में एक कल्चर जिंदा है, पटाखे फोड़ते घर घर चलते दिए लेके। देखो ये दोनों भाई की शादी हो चुकी है, और जो शादी शादी हो चुकी होती है इन लोगों को ये बड़ा दिया जाता है लग्न में। और बाकी सब छोटे दिए वाले रहते हैं। मैं जाता हुआ खाद्या जैसो ऐसे ही सब जाते हैं, ऐसे ही घर घर में जाते हैं। घर घर में जाके हर घर की तरफ से तेल लेते हैं। मैं अंदर जाता हूँ, शोर आ रहा होगा बहुत ज़्यादा, तो शायद आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, नहीं आ रही हो। ये हमारा अभी तक दिवाली कल्चर है, और ऐसे ही गांव में पूरे घर घर में घूमेंगे ऐसे ही। पूरा पूरा दिवाली का आनंद दिया जाता है, पूरा दिवाली का आनंद दिया जाता है। पूरा दिन निकल जाएगा ऐसे ही गांव में घूमते घूमते। तो शायद पूरा वीडियो पूरे गांव का तो नहीं दिखा सकता, बाकी शॉर्ट शॉर्ट है, साथ में उनके साथ में मैं भी घूमता हूँ। बस पूरे गांव में पटाखे फोड़ते और मेरियो चिल्लाएंगे और कुछ नहीं करेंगे लोग, और हर घर टू घर जाएंगे। तो शायद इतना लंबा वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं जाएंगे वीडियो में कट। देखो ये हाथों के पटाखे फोड़ रहे, पूरा दिन ऐसे चिल्लाते रहेंगे, पूरा घूमते रहेंगे। वन बाय वन घर पे जाएंगे, दिए में तेल पुराएंगे और वहाँ से निकलते रहेंगे और घर में। और ये जो दिवाली की जो परंपरा है, जो ये लोग फर्स्ट शादी होती है उनकी, तो उनका जो आज मेहरिया होता है, और शादी के बाद आज फर्स्ट बार उनकी दुल्हन आज उनके जो तेल होता है मेरिया उसमें तेल पूरेगी खुद की दुल्हन। तो शायद वो पार्ट भी आपको दिखाऊंगा, मैं जाऊंगा वहाँ पर, ठीक है, उतना लास्ट दिखा लूँगा। आज बीमार थी ना अभी। ये 555 पटाखों में मैन कहा जाता है 555, और टाइमिंग के साथ टेंशन नहीं होती, आराम से छूटता है ये। फूटेगा फूटेगा। तो
बस मेरी मेरी चिल्ला रहेंगे पूरे दिन। बहुत सारा मजा आने वाला दोस्तों आज पूरे दीपावली के। और हम लोग आए, मेरे गांव में हूँ और ये मेहरिया प्रथा हमारी चलती आ रही है सदियों से, वही परंपरा आज भी कायम है। तो देखते हैं, कर रहे हैं शूट। और जो लास्ट ये जो बड़े मेहरिया वाले हैं उनकी फर्स्ट शादी हुई रहती है, उनके वहाँ चलते हैं और वहाँ का माहौल और नज़ारा आपको दिखता रहूँगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, स्क्रिप्ट मत करा करो और हो सके तो लाइक कर देना। और जो राजस्थानी बंदे हैं उनको पता है दिवाली की मेहरिया की प्रथा क्या होती है, उन भाइयों को सबको तो पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत जल्द ही बहुत सारे वीडियो आएंगी और ये पूरा आज शूट करेंगे मेहरिया वाला। आज पूरा दिवाली धमाका रहेगा पूरा दिन अपना। सबसे हाईएस्ट देखो ये भाई हमारा चिल्लाता आ रहा है मेरिया मेरिया करते हुए। देखो भाई को अभी मेरिया पूरा जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव कितनी पब्लिक, कितने पटाखे, क्या क्या होता है। देखो ये भाई के घर में शादी हुई, देखो वो जो भाई है अंदर वाला, उसका मेहरिया पूरा जाएगा यहाँ पे मैं लाइव रिकॉर्डिंग। मेहरिया का माहौल पूरा, लोग जबरदस्त पटाखे फोड़ते हुए। शादी हो चुकी है, जिस भाई के पटाखे फोड़ने की क्या आदत होती है। मेहरिया की हालत एकदम खराब हो जाती है। दोस्तों चलते आगे की तरफ, माहौल देखते हैं। ये दो भाई के यहाँ का हो गया, तीन भाइयों का मेरिया है। तीनों भाई के भाई को साथ में खड़ा कर ले लेता हूँ एक में। आज पूरा दिन ऐसा ही माहौल रहेगा, खतरनाक पूरा दिन मेरियों का माहौल रहता रहेगा आज।
गांव का चौराया है मेन। सब लोग यहाँ वापस इकट्ठे हो रहे हैं, देखो सब आ रहे हैं। सब चलते हैं, ये दो जाने अभी। हाँ शहर कर लिया बाबा, आए लिया बाबा, आए आना लिया बाबा के देखो। ये भाई की है, ये व्हाइट सलवार भाई का घर है और उनके वहाँ आज मेरे का माहौल होने वाला है अभी तगड़ा। देखते हैं कितने लोग पटाखे, क्या धमाका होता है। बने रहे मेरे पास ऐसे ही वीडियो, देखते हैं भाई के बाद तगड़ा माहौल। मेरे कान के ऐसे ही तगड़ा माहौल बनता रहेगा। पटाखों की बरसात हो रही है ऐसा लग रहा है मेरे को तो। खतरनाक स्टंट। होने देते इकट्ठा तो तक करते बंद। चालू वहाँ जा रहे भाई के मेरिया पुरवाने। देखो वहाँ अंदर नहीं जा सकते क्योंकि मेरे को पटाखों से डर लगता है, तो मैं पटाखों से। देखो ये पटाखा नहीं कर सकते, पटाखे कभी भी हाथ में फूट तगड़ा माहौल नहीं कर सकता मैं। दोनों भाई का जहाँ मेरिया पूरा जा रहा है अभी उनके वाइफ। ये सब माहौल होता है फर्स्ट शादी के वाले वहाँ उनका। देखो अभी उनके पैरों में बड़ा के डालते लोग। लाइन नहीं थी, लाइन नहीं थी। देखो और पटाखों की लाइन आ गई है, पूरे पटाखे यहाँ पे फोड़े जाएंगे। और खास करके मुझे बहुत डर लग रहा है पटाखों से। देखो अंदर उनकी वाइफ, जो रीति रिवाज है हमारे फर्स्ट मैरियो में अंदर, और वो काम कर रहे हैं अभी। वहाँ से मेरिया पूरेंगे, माहौल मेरिया पूर दिया गया। भाई आ गए बाहर, हम चलते हैं। अभी एक और भाई का बाकी रहा, ठीक है बनते हैं अगले भाई के घर पे जाते हैं, वहाँ पे वीडियो लास्ट सीन। और उसके बाद में गांव के मंदिर पे चौराहे पे सब इकट्ठे होंगे, वहाँ का माहौल करके फिर मैं आपको एंड कर देंगे वीडियो। ये हमारा देसी कल्चर है, कई सालों से प्रथा चली आ रही है।
लास्ट भाई का घर है। इसमें 500 रस्सी बम डाला है। रस्सी बम का तमाशा कितना होता है देखते हैं। देखो ये मेरिया का माहौल कर रहे हैं, पूरा दिवाली का पूरा फायदा उठा रहे लोग, फुल दीपावली माहौल चलते। और फिर से देखो क्या खतरनाक गया है, देखो पूरा गांव में दिवाली का करने का मजा यही होता है, फुल आनंद फुल क्रिएट होता है मजे। देखो कितनी पब्लिक इकट्ठी होती है, घर घर जाती है, लेडीज भी रहती है साथ में, जेंट्स छोरे सब खतरनाक जाते हैं। पूरे मटके की मौत होती ये लास्ट है, उनकी वाइफ आएगी अभी, ये मैं चल पूरेगी और हमारी पारंपरिक परंपरा चल रही है उसके हिसाब से लास्ट खत्म करते हैं, उसके बाद में वीडियो खत्म करके निकलते हैं। गाँव में टोटल 4 दिवाली में मैच हो गया भाई का, मैच हो गया भाई का। आगे जाने देते हम चलते हैं पीछे। हमारे गांव में सभी भाई बहन अदर का सब लोग साथ में ही, पाटीदार है आदिवासी है सब लोग साथ में ही त्योहार मनाते हैं, ऐसे ही पूरा दिन माहौल रखते हैं, घर घर घूमते हैं। देखो कितनी पब्लिक है, चलते ये पूरे गांव के हमारे सरपंच साहब का घर है, लास्ट में सरपंच साहब के घर पे आए हम लोग और यहाँ से लास्ट खत्म करते हैं मेरिया और चलते हैं। फुल माहौल सरपंच साहब के वहाँ दिवाली के पावन पर्व पर हमारे सब भाई बंधु साथ में मेरिया लेकर पूरे गांव में घूम के और लास्ट सरपंच साहब के घर पे यहाँ से होते रवाना हम लोग और करते हैं वीडियो को एंड। चलते हैं दोस्तों, हो गया मेरिया कंप्लीट, निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना।